आज की वीकली टॉप 5 में हम आपको उन 5 खबरों के बारे में बताएंगे जिसे इस हफ्ते सोशल मीडिया पर गलत दावों के साथ वायरल किया गया। तो आइए देखते हैं वीकली टॉप 5। स्टोरी नंबर 1। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। ऐसे में राजस्थान में होने वाले चुनाव से जुड़ा एक पोस्ट वायरल हुआ है जिसमें एबीपी न्यूज चैनल का एक एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है। इस एग्जिट पोल में एक सर्वे के अनुसार बसपा सुप्रीमो मायावती को राजस्थान सीएम के लिए पहली पसंद बताया जा रहा है, यानी कि सर्वे के अनुसार राजस्थान में मायावती की लहर है। पर क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इस पोस्ट का हमने फैक्ट चेक किया, पता चला कि ये पोस्ट पूरी तरह से फेक है। हमने अपनी रिसर्च में एबीपी न्यूज की रिपोर्ट को देखा जिसके अनुसार एबीपी न्यूज ने अभी हाल में मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव के मद्देनजर एक ओपिनियन पोल कराया था जो एबीपी न्यूज ने सी वोटर नाम की एक संस्था के साथ किया था। इसके अनुसार राजस्थान में एक बार फिर से 34% लोग अशोक गहलोत को ही सीएम देखना चाहते हैं। दूसरे पर बीजेपी की वसुंधरा राजे हैं जो 22% जनता की पसंद है। 18% लोगों की पसंद कांग्रेस नेता सचिन पायलट है। गौर करने वाली बात ये है कि इसमें कहीं से भी मायावती का नाम सामने नहीं आया, इसलिए ये प्रूफ होता है कि वायरल हुआ सर्वे वाला ये स्क्रीनशॉट्स पूरी तरह फर्जी है। स्टोरी नंबर 2। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसमें एक बिल्डिंग की छत खुलती और बंद होती दिखाई दे रही है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक्स सीएम अखिलेश यादव द्वारा बनाए गए ये इकाना स्टेडियम का वीडियो है। साथ ही दावा किया गया है कि ये दुनिया का पहला हाईटेक स्टेडियम है जिसमें बारिश तक रुकावट पैदा नहीं कर सकती। लेकिन इस वीडियो की पड़ताल से ये पता चला है कि बिल्डिंग कनाडा के रोजर्स सेंटर स्टेडियम की बिल्डिंग है। असल में इसकी पड़ताल के दौरान हमने इसके बारे में जानकारी जुटाई। 7 मई 2014 को सिटी न्यूज नाम के एक वेरीफाइड यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ मिला जो इसी स्टेडियम का था। इसके बाद हमने इसकी फोटोज अलामी की साइट पर भी देखी। हमने लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पिक्चर्स लेकर दोनों का कंपैरिजन किया, जिसे देखने के बाद ये समझ आता है कि ये वीडियो फेक प्रूफ होता है। स्टोरी नंबर 3। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का पूरा लेखा जोखा तैयार है और अब केवल वोटिंग के दिन का इंतजार है। इस बीच सोशल मीडिया पर चुनावी रैलियों के कई वीडियो वायरल देखे जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अडारी के लिए काम कर रहे हैं। यकीनन ये वीडियो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि इसके साथ दावा भी यही किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम के लिए भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल कांग्रेस की पार्टी से सीएम है। इस वीडियो की हमने पड़ताल की, पता चला कि वीडियो में राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। असल में ये वीडियो एक क्लिप्ड वीडियो है, मतलब इसके असली वीडियो से बीच के हिस्से को काटकर शेयर किया गया है। वही असली वीडियो को देखने से ये पता चलता है कि राहुल गांधी पहले भाजपा और पीएम मोदी के बारे में बात कर रहे थे, और जब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी अडानी के लिए काम कर रहे थे तो उनका ये मतलब था कि वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा बोल रहे थे। यहाँ वो भूपेश बघेल के बारे में बात नहीं कर रहे थे, इसलिए फैक्ट क्रिसेंडो इस वीडियो को सही नहीं मानता। स्टोरी नंबर 4। अभी हाल ही में केरल के कलामसेरी के एक निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बम ब्लास्ट हुआ था जिसके कई वीडियो दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ केरल का ही एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें बुरखा पहनी कुछ महिलाएं एक बस में लड़ती दिखाई दे रही हैं। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि केरल में बस में मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं पर बुरखा पहनकर बस में चढ़ने पर दबाव डाला। हमने इस वीडियो का फैक्ट चेक किया और इसके लिए बस के ड्राइवर से बात की। हमें पता चला कि बस को बिना बस स्टॉप वाली जगह पर रुकवाया जा रहा था, जिसको लेकर महिलाएं आपस में ही झगड़ पड़ी। इस मामले में कासरगोड के कुमला पुलिस ने भी यही बताया कि वीडियो को भ्रामक दावे से फैलाया जा रहा है। वीडियो में दिख रही मुस्लिम लड़कियां कन्नूर यूनिवर्सिटी के खानसा महिला कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज के सामने बस के न रुकने को लेकर कंप्लेन कर रही थी, और इसे ही लेकर आपस में और महिलाओं के साथ झगड़ा हो गया। इसलिए फैक्ट क्रिसेंडो इस वीडियो को सच नहीं मानता। स्टोरी नंबर 5। इसराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष से जुड़े फेक पोस्ट की बाढ़ है। इसी में एक पोस्ट वायरल हुआ है जिसमें जगह पर एक बिल्डिंग में लगी आग दिखाई दे रही है और उसे आने जाने वाले लोग देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने दावा किया है कि आग लगने की ये घटना पेरिस के एक चर्च सेंट गैब्रियल में घटी है, जिसे हमास समर्थक आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। हमने इस पोस्ट का फैक्ट चेक किया, पता चला कि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है। असल में हाल की ये घटना का वीडियो नहीं है, ये वीडियो जून का है जब चर्च में आग लग गई थी। हमने इससे जुड़े फैक्ट चेक किए, पता चला कि आग लगने की ये घटना उस वक्त हुई थी जो जांच का विषय था। इस हादसे में किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये आग कूड़े के ढेर में लगने से लगी थी जिससे चर्च का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया था। इस इन फैक्ट्स के बाद ये प्रूफ होता है कि वीडियो पूरी तरह से फेक है और इसका हाल की घटना से कोई संबंध नहीं है।